तो भाई थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में सबको ये बातें क्लियर थी दैट डिमांड इज मोर इन द द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो शॉर्टेज हो जाता है और और शॉर्टेज के केस में वुड इंक्रीज उसी इंक्रीज के प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेशन और जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में उसको प्लॉट करते हैं तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप ये कहानी सबको समझ में आ गई चलिए देर आफ्टर अगर मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है बट डिमांड कम है गुड्स तो का सरप्लस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस के केस में क्या होता है प्राइस मार्केट में डिक्रीज हो जाता है क्यों डिक्रीज हो जाता है है कि भाई सेलर को स्टॉक क्लियर करना है. और जब तक एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ गुड्स बिक नहीं जाएगा तब तक सेलर कोई भी नया प्रोडक्शन अंडरटेक नहीं करेगा नया प्रोडक्शन अंडरटेक वो जब तक नहीं करेगा तब तक उसके जो एफओपी वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे तो कंट्री में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिरेगा लोगों की कमाई भी कम हो जाएगी समझ में आ गया और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एग्जिस्टिंग स्टॉक गेट्स सोल्ड अवे खोपड़े में बात गई चलिए तो इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स क्या पूछे जाएंगे सबको एपीएस और एपीसी का समेशन वन याद है एमपीसी और एमपीएस का समेशन वन याद है एपीएस एपीसी के फॉर्मुले भी याद है चेंज इन सो कॉल्ड कंजम्पन अपॉन चेंज इन इनकम इज एमपीसी चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम इज एमपीएस कंजम्पन अपॉन इनकम इज एपीसी एंड सेविंग अपॉन इनकम इज एपीएस एपीसी वन में से माइनस कर दीजिए तो एपीएस आ जाएगा और एपीएस वन में से माइनस कर दीजिए तो एपीसी आ जाएगा वन माइनस एम इज एमपीएस पी एस वन माइनस एम इज एमपीसी कंजम्पशन का फॉर्मूला आपको पता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी डॉट वाई और अगर सेविंग निकालना है तो आप इनकम में से इस आंसर को माइनस कर दीजिए जो ए प्लस बी डॉट वाई आया तो सेविंग आ जाएगा और नहीं तो फॉर्मूला याद है माइनस ए प्लस बी डॉट वाई आंसर आपको वही आ जाएगा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट वाई प्लस आई भी होता है ए प्लस बी डॉट वाई प्लस एस भी होता है तो, हो तो इन्हीं सारे फॉर्मुले से लेट स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स सो बेसिक टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्या है चिल्ड्रन ये ए डी एस सी प्लस आई एंड ए एस एस सी प्लस एस दोनों में सेम क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको दोनों में चिल्ड्रन सेम क्या नजर आ रहा है सी दोनों में सेम है मतलब जितने गुड ज्यादा सेलर हमने बनाए उतने ही आपने एज अ बायर खरीद लिए तो ये ियम का कॉज नहीं होगा का कॉज तब होगा जब आप जो इनकम अर्नर है कंट्री में सेव ज्यादा पैसा करते हैं बट वो पैसा हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते या हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहते हैं बट आप जैसे लोग सेविंग ज्यादा नहीं कर रहे तो डिस्ट्रिक्लीब्रियम हो जाता है और जब इनकी इक्वालिटी आती है तो इक्म एग्जिस्ट हो जाता है तो प्लीज कॉपी दिस कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मुला याद है ए प्लस एमपीसी डॉट वाई और सेविंग फंक्शन का माइनस ए प्लस एम पी एस डॉट वाई मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूं जो काफी काम का है और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज सेविंग तो इस फॉर्मूले को झटपट लोग लिख लें ये काम की चीज है इट कुड बी रिटर्न एज वाई माइनस सी एंड व्हाट इज सी बेसिकली ध्यान दीजिएगा वाई दैट इज टोटल इनकम माइनस कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी डॉट वाई तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सेविंग और वैसे नहीं निकालना चाहते तो फॉर्मुला आपके पास है समझ में आ गया क्या फर्क है कंजम्पशन के और सेविंग के फॉर्मूले में भी समझ लीजिए यहाँ पे जो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है बार स्मॉल ए वो यहाँ पे माइनस बन जाता है क्यों सर माइनस बन जाता है क्योंकि आपको कहीं से बोरो करना पड़ेगा डिससेविंग करना पड़ेगा आपकी कमाई उतनी नहीं है क्योंकि सेविंग फंक्शन है तो एम की जगह क्या हो जाएगा एम पी एस एंड एम पी एस बी है समझ गए समझ गए सब लोग चलिए तो इसको झटपट लिख लें आप इसको लिख लें ये काम आएगा दिस चलिए बच्चों तो सबने ये फॉर्मूला लिख, लिख लिया है तो इसी के साथ चलते हैं आगे दो पॉसिबल इक्विलिब्रियम की ये भी आपको लिखवा दिया था मैंने पक्का चलिए पहला क्वेश्चन झटपट क्वेश्चन लिखिएगा इन इकॉनमी

ये फॉर्मुला नजर आ रहा है बच्चों आंसर प्लस आई यूज करेंगे इस क्वेश्चन में या प्लस एस वाला यूज करेंगे प्लस आई क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है चलिए तो झटपट ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे और सबसे पहले आप इक्विब्रियम का फॉर्मूला लिख लीजिए क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए फास्ट क्वेश्चन भी कॉपी था ये yes. चलो तो सो कॉल्ड इक्विब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला आपके सामने आ गया y इक्वल्स टू बार a प्लस mpc पी सी डॉट वाई प्लस आई तो वाई आपको नहीं पता वाई पता है बच्चों वाई पता है नहीं पता बट बार ए आपको पता है सर कैसे पता है वो अरे भाई कन्वेंशन का फॉर्मूला क्या होता है सी इक्वल्स टू बार ए प्लस बी डॉट वाई तो भाई आपका जो बार ए है दाइव 500 बी जो है वो क्या है 0.75 एंड वाई इज वाई बेसिकली तो आपको यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है y प्लस जीरो 500 सेवन 0.75 डॉट y प्लस क्या करेंगे चलो 5000 नहीं समझ समझ में में अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए सबने सॉल्व किया क्या इसको चलिए फॉर्मूला लिखिए फर्स्ट फिर चलते हैं आगे सर चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर तो सो कॉल पॉइंट वाई सर इधर से इधर कैसे आ गया अरे वो पॉइंट वाई नहीं है वो बुलेट है एक्चुअली सर बुलेट मतलब कोई आतंकवादी हमला बुलेट से नंबरिंग होता है ना वो ठीक है इक्वल्स टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव प्लस, प्लस आई तो भाई अब आपकी वैल्यू वाई की कितनी हो जाएगी चिल्ड्रेन बाईस हजार वाई आ गया आपका वाई आ गया तो बाईस हजार करोड़ की अगर कंट्री में इनकम हो आई रिपीट बाईस हजार करोड़ की तो कोई भी डिमांड और सप्लाई का मिसमैच नहीं होगा ना कोई इन्फ्लेशन होगा ना कोई डिफ्लेशन होगा ओके समझ में आ गई बात अब बच्चों वाई आपको मिल गया सी इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव डॉट वाई निकाल सकते हैं सी की वैल्यू निकाल सकते हैं सी की वैल्यू निकालिए फास्ट। सो सी इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट फाइव इन टू हाँ जीरो पॉइंट सेवन फाइव सॉरी इन टू ट्वेंटी टू थाउजेंड कर लीजिए और नहीं तो एक सिंपल सा जुगाड़मेंट तरीका क्या है भाई पांच हजार करोड़ का आई है

और अगर वन मार्क में आपने सी इक्वल्स टू फाइव मिनट प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू फाइव अपलाई किया आपका टाइम एक डेढ़ मिनट ज्यादा लग जाएगा तो आप इस आसान अप्रोच से निकाल सकते हैं चले आगे चले आगे चलिए इन इकोनमी अब यहां पे देखो बच्चों कंजम्पशन फंक्शन की जगह क्या दिया हुआ है सेविंग फंक्शन तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा गोइंग बैक दूसरा वाला रेड वाला माइनस ए प्लस एम पी एस होना चाहिए गलती से सी लिख किया लगता है चलिए नो प्रॉब्लम याद है आपको फॉर्मूला हो जाएगा चलिए राइट द क्वेश्चन फास्ट राइट द क्वेश्चन फास्ट और फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले क्विकली सो इट इज y इक्वल्स टू माइनस ए प्लस एम पी एस डॉट वाई जो यहां पे पॉइंट फाइव बाई लिखा है प्लस आई हो जाएगा बस फॉर्मले वाला स्टेप यहाँ पे मिसिंग है बाकी वैल्यूज डायरेक्टली लिख दी गई हैं सो इज द आंसर कमिंग फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड आ रहा होगा सबका चलिए मैं लिख के भी दिखाता हूं आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो इट वॉज इक्वल्स टू लेट मी राइट द फॉर्मूला वाई इक्वल्स टू माइनस ए प्लस एम पी एस डॉट वाई प्लस एस एस क्यों यहां तो आई लिखेंगे ना बिकॉज हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है चलिए एस भी लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इक्विब्रियम के लिए तो आई इक्वल हमने तो चाहे आप आई लिखें चाहे एस लिखें हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस वॉट इट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और सेविंग इज अज्यूम टू बी सेम वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं पता है ठीक तो यहाँ पे पहले वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं क्ल्स टू माइनस फिफ्टी प्लस जीरो प्लस थाउजेंड सिंपलेशन हो जाएगा कैलकुलेन चलिए तो फाइनली योर इक्लिब्रियम लेवल कम्स टू फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड इज दैट क्लियर कैसे आया इज दैट क्लियर टू ऑल चलिए अब आपने कैलकुलेट कर लिया इक्लिब्रियम लेवल अब क्या निकालना है कंजम्शन तो बच्चों वाई आ गया आपका वाईक्वल्स टू सी प्लस एस ए डी का फॉर्मूला ए एस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस बोले वाईक्वल्स टू सी प्लस एस बोले वाई इज कमिंग फोर्टीन वन हंड्रेड कंजम्शन इज नॉट गिवेन टू अस एंड सेविंग कितनी थी सेवन थाउजेंड तो बच्चों कंजम्पन की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर्टीन वन हंड्रेड माइनस सेवन थाउजेंड द आंसर वुड बी सेवन वन डबल जीरो ईजी, डू इट फास्ट दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेजॉरिटी बच्चे भूल जाते हैं y इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट वाई प्लस आई एंड y इक्वल्स टू माइनस ए प्लस एम डॉट वाई प्लस एस इक्विलिब्रियम इसी फॉर्मूले से आएगा हमेशा और क्वेश्चन हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में सीधे पूछेगा निकालो और आप अटर कंफ्यूज रहेंगे कैसे निकाल पाएंगे आप तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वॉट इक्विब्रियम लेवल ऑफ इनकम जब ये निकलेगा तब जाके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल पाएगा डन ऑल सबने कर लिया चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर चल आगे चलते हैं Economy, दिया हुआ है। अब यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट आप निकाल निकालना है और थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको यहां पे ऑटोनोमस कंजम्पन लिख के भाई हम तो ऑटोनोमस कंजम्पन और कंजम्पन में डिफरेंस जानते हैं तो मैं फॉर्मुला लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट वाई सॉरी बार ए या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल्स टू बार ए प्लस एम पी सी डॉट वाई तो अब आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला गया है बार ए दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन ओके और सेविंग फंक्शन आपको दिया हुआ है और यहां पे आपको इक्विब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी दे दिया गया तो जो आप वाई कैलकुलेट किया करते थे वो आई ऑलरेडी मिल गया पहले से आपको ठीक चलिए झटपट क्वेश्चन लिखिए

एम पी एस डॉट वाई प्लस आई भी लिखते थे एस भी लिखते थे और आई और एस को हम अज्यूम करते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब ये दोनों सेम होंगे व्हाट इट तो एस लिखा हो तो उसी को आई मान लीजिए सर ऐसा क्यों मान ले क्योंकि भाई आपको इक्विलिब्रियम जनरेट करना है या इक्विलिब्रियम जनरेटेड है आपको कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी है ओके तो लास्ट के दो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इनकम कितनी होगी आपको वहां पे दे दिया गया था सो कॉल्ड सॉरी इक्म कितने पे होगा आपको दे दिया गया था कि भाई हमारी इनकम कितनी है और आपने वाई कैलकुलेट किया था फॉर्मुले से बातें समझ में आ रही है सबको बातें समझ में आ रही है क्योंकि भाई दो चार लेक्चर का गया पे तो शायद भूल गए हो तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ लास्ट के दो तीन क्वेश्चन में यू वर् सपोज टू कैलकुलेट इक्विब्रियम आई रिपीट यू व सपोज टू कैलकुलेट इक्विब्रियम पहले आपने इनकम निकाली और आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट दे दिया गया था यहाँ पे आपको इक्विब्रियम दे दिया गया है इन्वेस्टमेंट निकालना है एस इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड दाइनस बार ए प्लस एम पी एस जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू वाई और सो कॉल ये दो हजार करोड़ है तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी गेट मी द वैल्यू फॉर एस पॉइंट टू फाइव इंटू टू थाउजेंड इज चार सो पांच सो सॉरी माइनस टू हंड्रेड इट्स थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड क्या है सेविंग है आई रिपीट थ्री हंड्रेड क्या है सेविंग है और फॉर्मूला आप एक और लिखें यहां पे एंड द फॉर्मूला इज एस टू वाई सी प्लस एस सेविंग आपकी आ चुकी है क्वेश्चन कह रहा है कंजम्पशन निकालो दैट इज ये वाली वैल्यू ऑटोनोमस कंजम्पशन की क्या हुआ सेविंग आपकी आ गई ना थ्री हंड्रेड पक्का और आपने फॉर्मूला इक्विब्रियम का पढ़ा हुआ है आई ऑलवेज इक्वल्स टू एस तो जो भाई आपका एस है भाई आपका आई हो जाएगा कितना तीन सौ तो सर ऑटोनोमस कंजम्पन क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको वेयर योर इनकम इज जीरो बट स्टिल मनी तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे माइनस टू हंड्रेड ही जो आपको दिया हुआ है यही आपका ऑटोनोमस कंजम्पन होगा डिससेविंग तो ये तो बड़ा आसान था अब एग्जाम में जब क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो बच्चे क्या करते हैं पूरा फॉर्मूला लगा देते हैं और उसके बाद भी आंसर नहीं है क्योंकि आंसर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है इज माइनस दैट अमाउंट ऑफ वी आर डूइंग विदाउट एनी इनकम तो ऑटोनोमस कंजम्पन तो वही होगा अगर सी निकालने को बोलते आई रिपीट अगर सी निकालने को बोलते तो आप एस जान चुके हैं थ्री हंड्रेड वाई आपको क्वेश्चन में मिल गया 2000 तब आप सी निकाल सकते थे और सी यहां पे होता 1700 करोड़ कैसे होता सर 1700 करोड़ भाई एकदम सिंपल है व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी यूज ए एस इक्वल्स टू इक्वल्स टू सी प्लस एस तो वाई कितनी है कंट्री में 2000 करोड़ इक्वल टू सी प्लस थ्री तो वॉट इज द वैल्यू ऑफ सी सेवनटीन तो यहाँ पे तीसरी बुलेट में लिख देते हैं कंजम्शन ये भी कैलकुलेट कर लीजिए भाई तो आपका कंजम्पशन 1700 करोड़ का है ऑटोनॉमस कंजम्पशन 200 है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डू दिस ऑल्सो। ये वाला फॉर्मूला हर बच्चे को याद होता है ये वाला फॉर्मूला भी हर बच्चे को याद होता है बस इक्विलिब्रियम वाला फार्मूला बच्चे भूल जाते हैं तो इट इज y इक्वल्स टू बार a प्लस mpc डॉट y प्लस i y इक्वल्स टू माइनस बार a प्लस एम पी एस डॉट वाई प्लस एस ये दो फॉर्मुले अगर आपने याद कर लिए बच्चों कभी आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं क्योंकि कंजम्पशन का टीचर पढ़ाता है बच्चा याद कर लेता है सेविंग का फॉर्मुला हर टीचर पढ़ाता है बच्चा याद कर लेता है बट जब ये इक्विलिब्रियम वाली बात आती है मैक्सिमम बच्चे यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है और फंसते बस यहीं पर है और बिना इक्विलिब्रियम जाने आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे टेक इट फॉर ग्रांटेड ओके तो प्लीज कॉपी दीज फॉर्मल फास्ट फर्स्ट ये बात सबको समझ में आ गई ऑटोनोमस कंजम्शन पूछा जाएगा या कंजम्शन पूछा जाएगा तो दोनों में डिफरेंस है चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट C इक्वल्स टू टू हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट नाइन वाई बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन एनी फर्दर आप मेरे को बताइए C क्या डिनोट करता है यहाँ पे कंजम्शन टू हंड्रेड डिनोट वॉट टू हंड्रेड टू हंड्रेड वेरी गुड ऑटोनोमस Consumption, मतलब consumption, बिकारी की तो 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 खुद डिराइव कर लिया ताकि डेसिमल ठीक से नजर आए इसलिए जीरो लगाया जाता है यही स्टैंडर्ड एक्चुअली में व्हाट इज सो कॉल्ड दिस जीरो पॉइंट नाइन बच्चों जीरो पॉइंट नाइन क्या है चिल्ड्रेन वेरी गुड आप इसे एम पी सी भी बोल सकते हैं या आप इसे बी भी, भी बोल सकते हैं एंड वाई इज योर इन्वेस्टमेंट इनकम सॉरी 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 मेरे को आई इनकम इनकम इट्स सॉरी चलिए यहां तक लिख लिया अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों जीरो पॉइंट नाइन एम पी सी है तो मैं आपसे भाई एम पी एस भी कैलकुलेट करवाना चाहता हूं मैंने गलती से एम पी एस लिख दिया एम पी सी है तो एमपीएस क्या होगा बच्चों

वाटर क्लियर तो आप एस इजिली कैलकुलेट कर लेंगे प्रोवाइडेड आपको वाई या एस पता हो तो क्वेश्चन कॉपी करिए पटाख से ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए पुट करना स्टार्ट करते हैं वैल्यूज को और आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले मैं इक्विब्रियम का भी फॉर्मूला यहां लिखी देता हूं वाई इक्वल्स टू बार ए प्लस एम पी सी डॉट वाई प्लस आई आ जाएगा वाई आपका वाई आ जाएगा, जाएगा बच्चों चलिए बी क्विक बी क्विक एक चीज अच्छा और पूछ लेता हूं आपसे लगे हाथ ऑटोनॉमस कंजम्पशन चलिए चार चीजें आप निकालेंगे वन टू थ्री फोर ये चार चीजें डू इट क्विकली चलन लेट्स सी कौन कितना समझा आज तक लेट्स सी कौन कहां तक पहुंचा वाई इक्वल्स टू बारे प्लस एम पी डॉट वाई प्लस आई वैल्यूज पुट कर लेते हैं चलन टू टू हंड्रेड ऑलरेडी दिया हुआ हमको प्लस पॉइंट नाइन वाई ऑलरेडी गिवेन पॉइंट नाइन इन टू वाईन प्लस आई हमारा तीन हजार है तो सो कॉल्ड कैलकुलेट करते हैं इधर है इधर ट्रांसपोज हो जाएगा एक स्टेप यहाँ पे गायब है मैं लिख देता हूं ताकि कॉन्टेंट इजी हो जाए लोगों के लिए यहां के बाद चल y वाई माइनस जीरो पॉइंट नाइन वाईक्स टू टू हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड तो y माइनस पॉइंट नाइन वाई कर देंगे तो क्या बच्चों तो so पक्का लेफ्ट yes. से राइट प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड और डिविजन मल्टीप्लीकेशन तो क्या आ जाएगी बच्चों आपकी वाई की वैल्यू थर्टी टू थाउजेंड वेरी गुड बस मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बात बताई थी कि हमेशा यही एक फॉर्मूला होगा जो जनरली बहुत बुक्स में नहीं दिया हुआ है और दिया भी है तो क्वेश्चन आंसर्स के साथ सोल्यूशन में दिया है इक्लिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए क्या फार्मूला है मेजोरिटी बुक्स फेल टू प्रोवाइड दिस सीबीएसई में तो थोड़ा ठीक ठाक मिल भी जाता है आई में तो आई डोंट थिंक सो ये फार्मूला होगा क्यों मैं सीधी किताब में ये इक्विब्रियम वाला फॉर्मूला आईसी तो लिखता ही नहीं है और वो तो पूरा तीन चैप्टर एक ही में समेट दिया सीबीएसई वाले थोड़ी इज्जत रखी हुई है तीन दिन चार चार चैप्टर में इसको पढ़ाया गया आई सी वाले बेटा बस एक पढ़ लो ये बहुत है तुम्हारे लिए और फिर उसके बच्चा यू में निपट जाता है मैं अरे हम तो पढ़ के आए थे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्लाइमेंट हमारे तो इन मार्क्स भी नाइन आए थे सौ में से मैं सी तो सर के ऊपर से उड़ गया क्योंकि भाई सी ऊटी अप्लाइड है ओके चलिए बच्चों तो अब ये वाला फॉर्मुला ले लेते ले हैं y इक्वल्स टू ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस तो y और ए एस बोले तो बत्तीस हजार करोड़ आपकी सी की वैल्यू कंजम्पन की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों कंजम्पन निकालिए फास्ट चलिए लिखता हूं सी इक्वल्स टू टू हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट नाइन इंटू थर्टी टू थाउजेंड अंडरस्टुड क्यों किया मैंने पॉइंट नाइन इंटू थर्टी टू थाउजेंड बिकॉज ये वाई से मल्टीप्लाई हुआ है बच्चों ठीक है तो सी इक्वल्स टू टू हंड्रेड प्लस बत्तीस हजार का नब्बे परसेंट हो जाएगा अट्ठाईस आठ सौ इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्वेंटी एट एट हंड्रेड सी इक्वल्स टू थर्टी थाउजेंड करेक्ट तो भाई सी आ गया थर्टी थाउजेंड तो सेविंग कितनी होगी चिल्ड्रन ट्वेंटी नाइन ओ सॉरी 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 वेरी सॉरी ट्वेंटी नाइन फ्लो फ्लो में गड़बड़ लिख गए। अब कुछ बच्चे पता है क्या बोलेंगे सर ये तो दिया हुआ था आई आप यही लिख लेते बिल्कुल सही बात है बच्चों में लिख सकता था बट अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन चार या छह नंबर पे पूछा जाएगा तो आपको यह कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा अगर थ्री मार्क्स में आता है तो टू मार्क्स तो आपको इस पर मिल जाएंगे बाकी वन मार्क के लिए आप लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू एस और सो so कॉल्ड आपका आई अगर तीन हजार है तो एस भी कितना है तीन हजार आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बट अगर सिक्स मार्क्स में आया तो आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड की मार्किंग स्कीम में वर्किंग नोट्स पे मार्क्स दिए जाएंगे तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होती और वो कहते हैं आसान तो है फालतू में हमें सो कॉल्ड एस निकालने को सिखाया जा रहा है क्योंकि हम तो भाई इक्विब्रियम के लिए चिंता कर रहे हैं एंड इक्विब्रियम पे आपका आई और एस दोनों बराबर होता है तो भाई सेविंग तीन हजार आ रहा है तो क्वेश्चन में दिया हुआ था थ्री मार्क्स का आएगा वन मार्क्स का एमसीक्यू आएगा तो झटपट आप रेफर कर लीजिए चल जाएगा बट अगर सिक्स मार्क्स आप पूछ लिया गया इसके आने की प्रोबेबिलिटी आईएससी में ज्यादा होती है सीबीएसई में चार नंबर से ऊपर कभी नहीं आता छे नंबर में एनआई का न्यूमेरिकल आता है बट बाई चांस अगर आ गया कहीं लिखा नहीं है हम नहीं पूछेंगे कहीं कानूनी कॉनोटेशन है नहीं ऐसा लीगल कॉनोटेशन हम पूछेंगे ही नहीं अगर आ गया तो कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा ठीक चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर खोपड़े में बात गई बच्चों आ गया तीन हजार अब देखिए कैलकुलेट करके दिखाया ना चलो मूविंग अहेड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट वेदर द इकोनमी इज इन इक्म और नॉट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया दस करोड़ ये तो हमेशा सेम रहेगा फंक्शन दिया है दो सौ करोड़ कौन सा फॉर्मूला है ठीक है, I, क्योंकि आपको दिया है. अब देखिए पागल कैसे बना रहे हैं पिछले वाले में इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे क्या वर्ड लिख गया ऑटोनोमस हमारी तो पूरी सिलेबस थ्योरी में यही बार बार बोलता था कि हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनोमस रहेगा समझ में आ गया नहीं समझ आया

तो इकोनॉमी इक्विब्रियम में है या नहीं है नहीं है तो ये तो हो गया दैट इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम वाई सर वाई दिया हुआ है अरे डब्ल्यू एच वाई वाला क्यों क्योंकि सिंपल मैथ्स की भाषा का ज्ञान दू एल एच एस एंड आर एच एस आर नॉट इक्वल प्रॉब्लम बात गई इकोनॉमिक में बात करें इनकम इज नॉट इक्वल टू द लेवल ऑफ कंजम्पशन नीडेड इन द इकोनॉमी समझ में आ गया अब तीसरा क्वेश्चन आपका मेरे सामने मतलब आपके सामने मेरा क्वेश्चन आ रहा है और वो ये है हाउ दिस कुड बी इक्वेटेड चिल्ड्रन कैसे इसको इक्वेट किया जाए 200 और 210 अनइक्वल है इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं आप आंसर चिल्ड्रन सिंपल है लोअरिंग द इन्वेस्टमेंट्स समृद्धि प्लीज रिपीट अगेन आई डिडंट गेट इट चाइल्ड नहीं मैंने ध्यान से फिर से बोलो एक बार बाय रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट्स हां ये एक आंसर हो गया वेरी गुड आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दीजिए चलिए वेरी गुड एक आंसर ये हो गया तो अगेन आपका yeah. जो टू हंड्रेड है इक्वल टू टू हंड्रेड हो जाएगा वेरी गुड सेकेंड आंसर क्या हो सकता है चलन इंक्रीजिंग द इनकम कॉमन सेंस की बात है भाई आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर लीजिए इज दैट क्लियर तो दोनों तरीके से ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे खैर आपसे नहीं पूछा गया था यहाँ पे बस ये पूछा गया था इकोनॉमी इन इकोनॉमीब्रियम तो पहला आंसर नो no. दूसरा आंसर ऐसा क्यों है

पक्का तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए हाउ इट कुड बी मेड इक्वल तो बच्चों दोनों आंसर लिख के आइएगा एक में मार्क्स नहीं मिलेंगे उसका रीजन है इन्वेस्टमेंट हमारा सिलेबस हमको पढ़ने को बोलता है का मतलब इन्वेस्टमेंट वुड रिमेन सेम ना वो बढ़ेगा ना घटेगा तो सर फिर ये वाला लिखता ही नहीं है सिर्फ यही लिख देते हैं मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि कम से कम क्वेश्चन चार नंबर का आएगा जो आपको तीन मार्क्स तो इस पे दे देगा आधा नंबर इस पे देगा और आधा इस पे देगा तो लिखना सब है आपको ज दैट क्लियर चलिए तो बड़ा है यह ये. ये पढ़ लिया आपने तो ब्रह्म ज्ञान मिल गया समझ गया बच्चों फ्रॉम दाइंड आउटरियम दिया हुआ है. हो जाएगा हो जाएगा बच्चों चलिए झटपट सॉल्व करिए फास्ट वेरी क्विकलीस सो टू हंड्रेड फिफ्टी ऑन द एल इक्वल्स टू अगर मैं आपसे पूछू वॉट इज ऑटोनोमस कंजम्पन तो आपका जवाब क्या होगा If I ask what is, 40. what is is एक फॉर्मुले से आपको पूछी जा सकती है तो अगेन बच्चों ये इकोनॉमी इक्विब्रियम में आ रही है सर ये नहीं पूछेंगे इसको डिस इक्विब्रियम करने के लिए क्या करना पड़ेगा अरे भाई वही करना पड़ेगा जो पिछले में लिखे थे या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए घटा दीजिए या तो इनकम बढ़ा दीजिए घटा दीजिए गोट इट चलिए तो हेयर द इकोमी इज इन

एक एक बर्गर खाना चाहते हैं और मार्केट में सो so कॉल्ड बर्गर खरीदने वाले लोग हमसे भी कहीं ज्यादा हैं टू टू फोर टू सिक्स टू एट टू टेन रक्षाबंधन चल रहा है समझ में आ गया अब दस बर्गर की डिमांड है बट मार्केट में अवेलेबल कितने चल रहे थ्री तो मैकडोनल्ड बर्गर किंग सरदार सिंह जो भी एक्स वाई जेड सिंह है समझना गया ये सब बर्गर की दुकानें ज्यादा से ज्यादा सेटअप करेंगे क्यों क्योंकि मार्केट में डिमांड दस बर्गर्स की है दस मतलब दस हजार करोड़ बर्गर्स की और अविलो करोड़ बर्गर तो अब यहाँ पे और बर्गर्स जब तक आ नहीं जाते एग्जिस्टिंग वुड बी सोल्ड एट अ वेरी हाई प्राइस और ये हाई प्राइस तब तक चलती रहेगी जब तक इस डिमांड को मीटअप करने के लिए हम इतने आउटलेट्स ईटिंग जोन सेटअप कर नहीं देते खोपड़े में बात गई कि नहीं गई पक्का अभी मैं आज अपने फ्रेंड से मॉर्निंग में मिला वेंट टू टेक सम मेडिसिन तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसी शॉपिंग थी मार्केट में क्या बिहेवियर था कह रहा तुम बड़ा पूछते रहे तो मेरे बिजनेस के बारे में तो कभी तुमसे पूछा मैंने कहा मेरे को बच्चों को लाइव एग्जाम्पल देना होता है तो कह रहा कि कल मेरी शॉप तो पौने बारह बजे बंद हुई मैंने कहा दैट्स वेरी ग्रेट देन आई वेंट टू नियर बाय प्लेस इन प्रयागराज सिटी जिसको सिविल लाइन्स बोलते हैं जो अलाहाबाद का सिविल लाइन है वैसा वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा वॉट इट लियर जैसे वो मॉल रोड टाइप होता है वैसे ही हमारा सिविल लाइन तो वहाँ पे आई वेंट टू ब्लू स्टोन शोरूम तो वहाँ देखा रात को सवा बारह बजे दुकान खुली है मैंने घर में नहीं जाना क्या तुम लोग को तो कह रहे नहीं हमारे हेड ऑफिस से ऑर्डर है जब तक कस्टमर आएगा कस्टमर गया आधा घंटा वेट करिए और फिर कस्टमर आया फिर आधा घंटा वेट करिए लाइव ट्रैकिंग होती है तो दिस रिवील्स वॉट चिल्ड्रेन की कंट्री में डिमांड ज्यादा है भाई पैसे नहीं होंगे तो कस्टमर बाजार थोड़ा जाएगा लॉजिक समझ में आ गया तो आई माय फ्रेंड कि भाई किन चीजों की सेल ज्यादा थी उसका तो बेकरी है अपना तो कह रहा बेकरी प्रोडक्ट्स बिके मार्केट में गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बिकी धंधे रास्ता बिकल और उसके बाद ये जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जो एमेजोन वगैरह भी बहुत महंगे मिलते हैं What it? या जिनकी रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है या जो सिर्फ फेस्टिव सीजन में ही देखते हैं उनकी डिमांड सबसे ज्यादा थी तो अब इससे मैंने क्या इकोनॉमिक सिचुएशन कैलकुलेट की इंडिया में ये सब बनाता कौन है अंबानी और अडानी नहीं बनाते इसको ये लोकल आर्टिस्ट बनाते हैं मतलब लो लेवल पे लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो सही किया जो पॉवर्टी चैप्टर खत्म कर दिया गया समझ में गया तो पॉवर्टी जैसी चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती तो कंट्री में क्या है इन्फ्लेशन है बच्चों वॉट इन्फ्लेशन क्यों इन्फ्लेशन है डिमांड ज्यादा है गुड्स लोग बहुत चाहते हैं बट उतने गुड्स अवेलेबल ही नहीं है तो जब तक ये गुड्स की अवेलेबिलिटी कंप्लीट हो नहीं जाती है बिजनेसमैन विल कीप ऑन सेटिंग मोर 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 एंड एंड बिजनेस सेंटर्स तो में तो कोई काम करेगा नहीं एफओपीज हायर किए जाएंगे तो जब एफओपी हायर होंगे तो क्या होगा उनको इनकम मिलेगी एम्प्लॉयमेंट लेवल इनकम लेवल वुड इंक्रीज समझ गए बात को और डीप्रेशन क्या होता है बर्गर खाने वाले बहुत कम लोग हैं बट मार्केट में बर्गर बहुत ढेर सारे हैं कोविड टाइम पैसा ही हुआ था गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट बट उनके बायर्स थे ही नहीं बट सब जगह ऐसा नहीं था नेसेसिटीज के बायर्स थे उस समय कोई शोरूम में कार खरीदने नहीं जा रहा था कोई ज्वेलरी शॉप पे गोल्ड खरीदने नहीं जा रहा था हाँ बैंकों में भीड़ थी गोल्ड गिरवी रख के लोन लेने की जनरल मर्चेंट की दुकान पे भीड़ थी क्योंकि भाई डेली नीड्स के आइटम तो लोग खरी देंग, खरीदें ही खरीदेंगे बट बाकी जगहों पे क्या चल रहा था डीफ्ले गैप चल रहा था डिमांड इज वेरी लेस बट सप्लाई वॉज मोर तो जब तक एग्जिस्टिंग स्टॉक बिक नहीं जाता सप्लायर्स आर गोइंग टू पुट अ लॉक ऑन देयर फैक्ट्रीज और वो सामान फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेंगे और कब तक नहीं प्रोड्यूस करेंगे जब तक है जान जब वी मेट तब तक नहीं प्रोड्यूस करेंगे जब तक एग्जिस्टिंग स्टॉक बिक नहीं जाता एंड देन वो सारा का सारा एग्जिस्टिंग स्टॉक सस्ते में ही बिकेगा बच्चों ओके okay? तो कहानी समझ में आ गई कहानी समझ में आ गई तो राइट द हेडिंग इन योर कॉपी सिल्डर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और दो बार आपको दे चुका हूं तो वो हम यहां पर रिपीट नहीं करने वाले आप बस ब्रैकेट में लिख दीजिए रेफर प्रीवियस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये सेम प्रेजेंटेशन अगर आपको याद हो बच्चों तो हमने पढ़ी थी याद आया पीछे का हिस्सा इन्फ्लेशनरी गैप चिल्ड्रन जी एम लोग सो so कॉल खरीदना चाहते हैं बट उनकी जो कमाई है दिपीट चिल्ड्रेन इनकम कितनी है ई एम ब्लू वाला फोर्टी फाइव डिग्री का स्लांट देखिए आप कमा रहे हैं ई एम हैसियत है खर्च करने की ई एम बट चाहत कितनी है जी एम खोपड़े में बात गई तो ई एम मनी वी है चाहते हैं जी एम कितना ज्यादा खर्च करना चाहते हैं ओवर एंड अब द लेवल ऑफ इनकम जीई समझ में आ गया तो जीई गुड्स की डिमांड है बाजार में बट वो गुड्स है ही नहीं तो और एम्प्लॉयमेंट सेटअप किया जाएगा याद है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्म डिटो वही है यहां पे भी समझ में आ गया सबको तो इसको झटपट आप लिख लीजिए सिर्फ टेक्स्ट लिखिएगा और ग्राफ ऑलरेडी आपने पहले बनाया हुआ है डिमांड इज मोर देन सप्लाई ऑलरेडी सारे रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज हैं फर्दर हम इसको बढ़ा नहीं सकते तो जब तक हम आउटपुट नहीं बढ़ाएंगे एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ गुड्स की खत्म करने के लिए बिजनेसमैन वुट पुट सम मोर एफर्ट्स दे विल सेटअप मोर प्लांट दे विल हायर मोर एफ ओपीज विल मेक पे मोर वेजेज रेंट इंटरेस्ट एंड प्रोफिट तो इससे इनकम लेवल कंट्री में बढ़ जाएगा और शॉर्टेज भी कंट्रोल हो जाएगी Put this text. क्या होते हैं भाई पड़ोसी डेली रेस्टोरेंट जा रहा है हम भी हफ्ते में दो बार जाने लग गए राइज इन कंजम्शन एक्सपेंडिचर तो भाई आपकी डिमांड बढ़ेगी गवर्नमेंट ने नए फ्लाईओवर नए टनल्स नए डैम बनाने स्टार्ट कर दिए लोगों को ओल्ड एज पेंशन देनी स्टार्ट कर दी गरीब किसानों को फोकट का राशन देना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी चालू कर दी तो सरकारी खर्चा बढ़ गया एक्सपोर्ट जब हम ज्यादा करेंगे तो प्राइमरली वी नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉर प्रोड्यूसिंग देम वी नीड टू मैन्युफैक्चर देम देम फॉर मैन्युफैक्चरिंग वी नीड टू बाय रॉ मटेरियल तो हमारा खर्चा बढ़ गया बट ये गुड है बैड नहीं है मनी सप्लाई कंट्री में जब ज्यादा हो गई आरबीआई ने नीडेड करेंसी से ज्यादा छाप दिया तो जिन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है उनको भी बैंक चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देगा और वो भी उल जलूल अनाप शनाप खर्चा करना चालू कर देंगे तो कंट्री में जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि मेरे जैसे को पैसे की जरूरत तो है नहीं बैंक ने कहा सर चार परसेंट पे लोन मिलेगा मैंने कहा ठीक है पचास लाख रुपए दे दो पचहत्तर लाख की एक मर्सिडीज खरीद लेते हैं तो क्या हुआ डिमांड बढ़ गई अब मर्सिडीज बढ़ी तो उसका महंगा कवर भी खरीदना पड़ेगा फिर उसके लिए गार्ड रखना पड़ेगा एक ड्राइवर रखना पड़ेगा तो अननेसेसरी आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है राइज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड जब लगता है बिजनेसमैन को कि भाई कंट्री में लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है तो बिजनेसमैन भी अपने एक्सटेंशन बिजनेस काउंटर्स खोल लेते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं बिकॉज डिमांड बढ़ी हुई है आपके घर में पहले एक फ्रिज था आपने दो खरीद लिए पहले पूरे घर में एक टीवी होता था ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी ज्वाइंट नहीं वॉट ज्वाइंट पंद्रह बीस लोगों का परिवार पूछेगा अपने पापा से वो बताएंगे आपको कि पंद्रह बीस लोग एक साथ रहते थे और पूरी फैमिली में एक टीवी होता था सब लोग एक साथ बैठ के देखते थे टीवी अब घर में दस रूम है तो ग्यारह टीवी है सर ये ग्यारवा कहाँ लगेगा मम्मी कह रही है हमको भी एक किचन में लगवा के दो नहीं तो खाना नहीं मिल पाएगा हम खाना बनाते बनाते अपना सास बहू वाला सीरियल देख लेंगे कम से कम समझ में आया बट वो सीरियल देखना बहुत जरूरी है उससे पता लगता है कि फैमिली में कितना प्रॉब्लम होता है लड़ाई झगड़े से समझ में आ चलिए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या होता है बढ़ जाता है डन चलन डन एवरीबडी चलिए इफेक्ट क्या है भाई चीजों के दाम बढ़ेंगे क्यों बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ी है गुड्स मार्केट में लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं बट उतने बायर्स है नहीं अल्टीमेटली आउटपुट बढ़ाने की जरूरत है नहीं तो एग्जिस्टिंग आउटपुट महंगा बिकता रहेगा और आउटपुट कोई मशीन तो बनाएगी नहीं वी नीड एफ यहां सर लिखा है नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल नो चेंज कब तक जब तक इन्फ्लेशन चल रहा है इसको कॉम्बैट जब करेंगे तो बढ़ जाएगा तो ये प्रेजेंट सिनारियो है कि इन्फ्लेशनरी गैप में होता क्या है गुड्स की डिमांड ज्यादा है बट अभी सप्लाई हो नहीं पा रही तो अभी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो महंगे में बिकेगा फिर धीरे धीरे इसको कॉम्बैट करने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा देंगे ये आपने लिखा हुआ है पहले ऑलरेडी तो इस पर टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करिए बिजनेसमैन का प्रॉफिट बच्चों बढ़ेगा कि घटेगा बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा बिकॉज डिमांड बढ़ गई है तो वो मौके पे चौका लगाएगा सामान महंगा बेचेगा कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि घटेगा डिमांड बढ़ी हुई है ना एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज कर जाएगा सिंपल एज दैट बट जो चीज दस रुपए में मिलती थी वो बारह में खरीदनी पड़ रही है तो एक्चुअली कंज्यूमर की एपल मिल रहा था डिमांड बढ़ गई एक सौ बीस हो गया हजार रुपए बाजार लेके जाते थे पहले दस के जी एपल खरीदते थे अब एक सौ बीस में क्या दस के जी मिल पाएगा नो इनकम रिमेन सेम थिंग्सम एक्सपेंसिव तो रियल इनकम कम हो जाती है डिमांड चैप्टर पढ़ा था आपने लेवन में इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आएगा बूम की कंडीशन आती है बट अगर गवर्नमेंट ने प्राइवेट बिजनेसमैन ने कोई एक्शन नहीं लिया बच्चों नई फैक्ट्रीज नहीं सेटअप की तो कुछ दिन में पैसे तो होंगे बट सामान नहीं होगा बाजार में वॉट इट डिफ्लेशरी गैप इसी का उल्टा है दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर किसी को कोई क्वेरी है तो पीपल कैन आस्क